हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल जानव टीम न्यू व्लॉग। वीडियो देखने तो पहला चैनल नू सब्सक्राइब करो ते वीडियो नू फुल वॉच जरूर करो। तो आज मैं थोड़े लेके हाजिर हुई हाँ, जिमें कि तुसी देख सकते हो मेरे पर्सनल फेवरेट छोले भटूरे फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी सॉफ्ट बनेंगे रोजाना रूटीन की रैसपी नाल। फ्रेंड तुसी फुल वीडियो बहुत जरूर करनी है। ये भठूरे छोले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। छोलिया की मसाले की रैसपी भी थोड़े नाल शेयर की जाएगी। तो असी आ कुरकुरे ब्राउन कलर ही गोल्डन भठूरे किस तरह नाल बनाए, इसकी रैसपी भी थोड़े नाल जरूर शेयर की जाएगी। तुसी वीडियो नू फुल वॉच जरूर करियो ते वीडियो नू लाइक भी जरूर कर दो। तो चलो चलिए बनाने अपने भठूरे छोले। सब तो पहला असी ले लिया फ्रेंड्स मैदा। तो असी 250 ग्राम मैदा ले लेंगे फ्रेंड्स। इधर मैं ये वाला मैदा लिया फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का मैदा असी यूज़ करते हैं जिहड़ी शॉप तो लेके आने। तो 250 ग्राम मैदा नू मैं अपने एक बर्तन दे विच ले लिया फ्रेंड। तो फ्रेंड्स आज मेरा बहुत दिल कर रहा सी, तो मम्मी कहते चलो बनाने, असी काफ़ी टाइम तो बनाना चाहते सी, तो मम्मी ने बनाए भठूरे छोले। तो चलो मैदा आप ले लिया। मैदे विच सब तो पहला आपने ऐड करिया इधर मीठा सोडा या बेकिंग सोडा फ्रेंड्स, हाफ स्पून ही आप लिया, हाफ स्पून तो भी थोड़ा जहा घट ही है। इधर लिया शुगर ते स्वाद अनुसार नमक, असी सेंधा नमक यूज़ करते हैं। ते नाल मैंने लिया मोइन दे लिए थोड़ा जहा घी, 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल ले लेंगे फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं लेना ये ऑयल। तो इनू अच्छी तरह नाल आपां हुण नीट करांगे फ्रेंड्स, गुन लेंगे आटे नू। किनू किनू छोले भठूरे पसंद है मैनू कमेंट सैक्शन च जरूर दसो, क्योंकि पंजाबियों नू छोले भठूरे बहुत पसंद होंदे है फ्रेंड्स, पर इनू बनाउण दा जिहड़ा तरीका होंदा है वह थोड़ा जहा मुश्किल ही होंदा है, पर असी बहुत ही आसान तरीके नाल ते मिनिमम इंग्रीडियंट्स के नाल छोले भठूरे बना देंगे फ्रेंड्स। तो हुण इहदे च मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी पा दूंगी, ज़्यादा पानी भी नहीं पाना हैगा, ताकि जड़ा अपना डो है बिल्कुल पतला ही ना बन जाए। तो देखो मैं अपना आटा लगा रही हूँ बहुत ही वधिया तरीके नाल। आटा देखो बन के तैयार हो गया है मैदा। हुण इहदा फ्रेंड एक सीक्रेट दसदी आ फ्रेंड, जदों भी तुसी भठूरे लिए बनाने तो देखो इनू 1 मिनट के लिए एवं पटकी जाना है। इस दे नाल जिहड़ा साढ़े भठूरे है बहुत ही सॉफ्ट ते फुल्ले फुल्ले बनते हैं ते टेस्टी बनते हैं फ्रेंड्स। ये भठूरे मज़ेदार जे आ देखो क्रिस्पी भठूरे बनाने के लिए 1 मिनट के लिए तुसी जिहड़ा अपना डो तैयार करिया उनू पटकी जाना है। तो इस दे नाल ही अपने भठूरे वधिया बनते हैं फ्रेंड, टेस्टी बनते हैं, कुरकुरे बनते हैं। तो थोड़ा किवें दा लग्या मेरा ही आइडिया मैं कमेंट सैक्शन जरूर दस्यो। तो हुण फ्रेंड्स मैं थोड़ा दिखाती हाँ छोले जिहड़े असी पहलां तो ही बॉयल कर रहे सी फ्रेंड्स। बॉयल करते हुए छोलिया दे विच ही बड़ी इलायची ते लौंग पा देने हो, तो फ्रेंड जिहड़े छोलिया दा कलर है बहुत ही ज़्यादा वधिया आंदा है। जिवें भठूरे छोलिया दे लई छोले जिहड़े थोड़े अलग होंदे है, आम वैसे जिहड़े आपां छोले बनाने हां उह थोड़ा जिहा अलग कलर होंदा है। तो इधरली फ्रेंड जिहड़ा असी खरा मसाला बना के रख्या होया उहदे विच हैगा जीरा, सौंफ, काली मिर्च, लौंग, इलायची छोटी इलायची बड़ी इलायची, तेज पत्ता, साबुत धनिया। फ्रेंड्स ये जो भी इंग्रीडियंट्स मैंने ऐड करे हुए हैं फ्रेंड्स, काली मिर्च भी है वो मैं डिस्क्रिप्शन च मैंशन कर दूंगी। ये मसाला बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, दालचीनी भी है फ्रेंड ये छोलिया दे लई। तो तुसी इंग्रीडियंट्स जरूर देख लियो डिस्क्रिप्शन दे विच। तो ये मसाले नू फ्रेंड्स मैंने सब तो पहला भुन लिया, तो हुण मैं मिक्सी दे विच ग्राइंड कर लूँगी अच्छी तरह दे नाल, ताकि जिहड़ा साडा मसाला बन के तैयार हो जाए। आ देखो साडा मसाला बहुत ही वधिया बन के तैयार होया है, मैं तुहानू दिखा देनी हाँ स्पून दे नाल। ये मसाला ही असी अपने चनिया दे विच यूज़ करांगे जिहदे नाल साडे चने बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनते हैं फ्रेंड। तो देखो चने मैंने पहले ही बॉयल करके रखे हुए सी, हुण अगे दा प्रोसैस करते हैं फ्रेंड्स। देखो सब तो पहले मैं लै लई कुकर, कुकर दे विच ऐड करूँगी मैं मस्टर्ड ऑयल फ्रेंड्स। ये चने बनाने लई मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहे हैं असी। तो देखो उही कुकर जिहदे विच मैंने चने बॉयल करे हुए हैं। मस्टर्ड ऑयल तो बाद फ्रेंड्स ये मैं बारीक कटे हुए, ज़्यादा बारीक नहीं है कि ये अनियन ऐड कर दूंगी फ्रेंड्स। ये चने दे विच टमाटर नहीं जाते फ्रेंड्स, या हल्दी ऐड नहीं की जाती हैगी, सिर्फ प्याज के नाल ही बन जाएंगे अपने जिहड़े चने है, इसलिए चने थोड़े जे अलग होंदे है फ्रेंड्स अपने सिंपल चने तो। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं फ्रेंड्स ये चने। तो देखो मैं मिक्स कर देनी है फ्रेंड्स
प्याज दूँ ताकि प्याज अच्छी तरह नाल भुन जाए। हुण मैं इहदे विच रैड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर नहीं पाएगा फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन च इंग्रीडिएंट मैनशन ने, देखो अनियन चंगी तरह नाल ही भुनने फ्रेंड, जिन्ने चंगी तरह नाल मसाले नूं भुनिया जाएगा उन्नी ही वधिया साडी डिश जिहड़ी आ रेडी होएगी बन के। प्याज चंगी तरह नाल भुने जा चुके हैं, हुण इहदे विच जिहड़ा अपना सीक्रेट मसाला है, सीक्रेट नहीं वैसे मैं अनवेल करता, वह ऐड कर दाँगी, थोड़ा जिहा होर ऐड करूँगी फ्रेंड्स। इहदे विच मैं मसाला असी कह सकते एक बड़ा चम्मच मैंने वो मसाला ऐड करता है, खरा मसाला। हुण मैं इहदे विच चने ऐड करूँगी फ्रेंड्स, जिहड़े मैंने पहला तो ही बॉयल करके रखे हुए हैं। चने ऐड करते हैं, देखो बहुत ही वधिया लग रहे हैं। हुण इहनां नूं मैं मिक्स कर दूँगी, देखो थोड़ा जिहा अपनी कड़छी दे नाल। किते किते मुँह च पानी आ रहा फ्रेंड्स, मैनू कमेंट जरूर दसो। ये चने बहुत ही ज़्यादा मसालेदार क्रिस्पी बनते हैं फ्रेंड्स, छोले भठूरे दे नाल चने, छोले भठूरे। तो देखो मैंने अच्छी तरह नाल मिक्स कर लूँगी मैं। हुण मैं इहदे विच जिहड़ा पानी सीगा बॉयल चनिया दा ही थोड़ा जिहा विच ऐड करता, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना फ्रेंड्स, इहदे विच ज़्यादा तरी नहीं बनानी, आपां ने रसमी से जिहे ही बनाने आ भठूरियां दे नाल छोले। तो छोले साडे बन के तैयार हो चुके ने। तो हुण जिहड़ा आटा है मैंने रैसट लई रख्या सीगा फ्रेंड नीट करन तो बाद, वो रेडी है 15 मिनट दे लई। तो चलो हुण आपां तैयार करते हैं अपने भठूरे, छोले अपने तैयार हो चुके हैं, हुण भठूरे की रैसपी दिखाने हैं फ्रेंड्स थोनू। सब तो पहला इहदी छोटी छोटी लोइयां बना लेनी है फ्रेंड, लोइयां तो बाद पेड़े बना लेने हैं। तो फ्रेंड्स इहदे विच वी थोनू एक सीक्रेट दस्या जाएगा जिहदे नाल थोड़े भठूरे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ते फुले फुले बनणगे फ्रेंड्स, ते कलर दे विच वी गोल्डन कलर आएगा, खाण दे विच वी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनणगे फ्रेंड्स। ये असी कोई यीस्ट नहीं यूज़ करी। तो सब तो पहला चलो आप पेड़े बनाने फ्रेंड अपने, आ देखो तुसी कदी बनाए हैं छोले भटूरे घर कि मार्केट चो ही मंगवा के खाने हो, मैंनू कमेंट सैक्शन च जरूर दस्यो माई डियर फ्रेंड्स। तो देखो इस तरह नाल मैं अपने पेड़े ते ऑयल लगा लूँगी फ्रेंड्स। जब भी तुसी पेड़े बनाने हैं तो फ्रेंड 10 मिनट तक तुसी नाल दे नाल ही अपने भठूरे बेलने स्टार्ट नहीं करने, 10 तो लैके 15 मिनट तक अपने पेड़िया नूं भी रैसट करवाना। देखो मैं ये उत्ते रिफाइंड ऑयल लगा रही हूँ फ्रेंड्स, रिफाइंड ऑयल लगा के रख देना तो अपने पेड़िया नूं रैसट करवाना 10 तो 15 मिनट के लिए, ता ही अपने भठूरे बेलने शुरू करने हैं फ्रेंड्स। आ देखो इधर मैं तेल ले लिया, तेल गर्म हो रहा फ्रेंड्स, जिन्हें साडा तेल भी गर्म हो जाएगा उन्हें साडे जिहड़े पेड़े आ उन्हां नूं रैसट मिल जाएगा। बहुत ही मज़ेदार वीडियो हो रही है फ्रेंड्स ये, क्योंकि मैनू बहुत पसंद है भठूरे छोले, तो सारे पंजाबियों भी बहुत पसंद है भठूरे छोले। तो देखो हुण असी 10 मिनट बाद अपने पेड़े जिहड़े बेलने स्टार्ट करते हैं। बहुत ही वधिया आटा लग के तैयार होया साडा बेस मैदा, तो हुण आपां बेलने स्टार्ट करते हैं अपने भठूरे। आ देखो कितनी वधिया शेप आ रही है। तो हुण असी अपना एक भठूरा ऑलमोस्ट बेल लिया फ्रेंड, तो हुण आपां चैक करते हैं एक भठूरा बेलन तो बाद कि साडा जिहड़ा रिफाइंड ऑयल आ वह रेडी है या नहीं। तो फ्रेंड रिफाइंड ऑयल चैक करन दे लई सब तो पहला असी की करते हैं, एक छोटी जी जिहड़ा आपां आटा लगाया हुंदा है वह भी फ्राई करके देखते हैं, जो फ्राई हो जाता इसका मतलब साडा जिहड़ा रिफाइंड ऑयल है वह अच्छी तरह नाल रेडी है। आ देखो मैं इहदे विच देख लिया तुसीं किवें बन के तैयार हो रहा है, इसका मतलब साडा जिहड़ा रिफाइंड है वह रेडी है भठूरे बनन दे लई। तो गर्मा गर्म तेल दे विच ही फ्रेंड तुसीं अपना जिहड़ा भठूरा तैयार करिया है वह ऐड कर देना। साडा तेल बहुत गर्म हो चुका है, तो देखो मज़ेदार भठूरा करते हैं तैयार, बहुत ही वधिया तरह भठूरे होममेड रोजाना रूटीन स्टाइल। ये तेल बहुत गर्म सी नाल दे नाल पांदे एक साइड जिहड़ी भठूरे दी बन भी गई है। आ देखो किन्ना वधिया गोल्डन कलर हो चुका है, गोल्डन ब्राउन। तो मेरा भठूरा बन के तैयार हो गया फ्रेंड्स, मैंने दूसरा भठूरा भी थोनों बना के दिखानी आ। थोनों किवें दी लग रही है मेरी वीडियो जरूर दस्सियो, तो अपने घर भी जरूर ट्राई करियो ये मज़ेदार जे छोले भठूरे। किते किते मुँह च पानी आ रहा है मैनू कमेंट सैक्शन च जरूर दसो, तो मेरी ये वीडियो ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो अपने नीयर ते डियर नाल। बहुत ही मज़ेदार भठूरे छोले खाने के लिए रोजाना रूटीन के चैनल पर विजिट करते रहा करो इस तरह की रैसपीज देखने के लिए। तो मेरे भठूरे भी बन के तैयार हो चुके हैं, तो चलो आप इन्हों वधिया जिहा सर्व भी कर लें फ्रेंड।
भटूरे मेरे फुले फुले टेस्टी टेस्टी बन के तैयार हो चुके हैं, बहुत ही सॉफ्ट भी बने हैं फ्रेंड्स। इधर मैंने छोलिया दे उत्ते फ्रेंड्स अनियन कट कर लिया, नाल ले लिया हरी मिर्च। ये चटनी मैंने पहला तो ही बना के रखी हुई सी, इमली की चटनी है। ये भटूरे छोले होर भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स। मेरे तो मुँह च पानी आ रहा है, मैं तो चली हाँ खान छोले भटूरे। थोनू किवें दी लगी मेरी यह वीडियो कमेंट सैक्शन जरूर दस्यो माई डियर फ्रेंड्स। मिलते हैं थोनू साड़ी अगले वीडियो, उद तक इंजॉय करो।